अब इस तरह की चीजें क्रिएट करना और उसको इस तरह से भी दिखाना, दोनों चीजें करनी है। ठीक है, पहले तो ये बनेगा कैसे इसको देखते हैं। चले ये वाला साइड मैं बनाता हूँ, इसका थोड़ा ही मुश्किल भी है तो ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने इसको अनलॉक किया और हमने इसके ऊपर एक बनाया यहाँ से पॉलीगॉन, तो ये पॉलीगॉन लिया हमने यहाँ से और ये पॉलीगॉन हमने इस पर ड्रॉ किया। ये देखिए पॉलीगॉन बन गया इसके ऊपर। पॉलीगॉन में एक कलर डाल दिया हमने इस पर इस तरीके से, और ये वाला भी इसके ऊपर। ठीक है, चलाया। अब आप में से कितने के दिमाग में ऐसे आ रहा था ये ऐसे बनेगा, कितनों के दिमाग में आया था? किसी के नहीं आया, चलो आया होगा। इसी का डुप्लीकेट कर दिया कंट्रोल जे से, कंट्रोल टी दबाया, ऑल्टर शिफ्ट दबाया, और फिर क्या करना था ये लाए, इसको इस तरह से रख दिया, सही है? अप्लाई कर दिया, ओके हो गया। अच्छा, अब ये रह गया, इसको क्लिक किया, कलर जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है ले ले, ऐसा कर दिया। अब ये ऐसा उभरा हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? इस पर हमने क्या किया, इसकी एक डुप्लीकेट ली, इसको डिसअपियर कर दिया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गए, ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया, शेड निकल आया, शेड का डिस्टेंस बढ़ाया, शेड का साइज बढ़ाया, ग्लोबल वाइट से चेक हटाया, अपोजिट डायरेक्शन पे कर दिया, सही है? डायरेक्शन को थोड़ा सा ओके हो गया, ओके कर दिया, बन गया, सही है? अब अंदर वाला शेप कैसे बनेगा, क्लिक किया, इसको जरूरत तो नहीं थी, चलो डिलीट कर देते। तेली वर्ड लेने से बेहतर था कि हमने यहाँ से स्क्वायर लिया, राउंडेड रेडियस पे लिया, बीस पर उसके कॉर्नर को हमने रेडियस दिया, नया लेयर ऐड किया, शिफ्ट के साथ उसको बनाया, बन गया। अब क्या करें, उसको तो ऑरेंज बनाना था तो ब्लैक बन गया, क्लिक किया, ऑरेंज कलर लिया, स्ट्रोक को ख़त्म कर दिया, कंट्रोल टी दबाया शिफ्ट के साथ, क्लिक किया, कंट्रोल जे दबाया, डुप्लीकेट लिया, डबल क्लिक किया, दूसरा कलर लिया, कंट्रोल टी दबाया ऑल्टर शिफ्ट के साथ, क्या हो गया आज ऊपर, ऑल्टर शिफ्ट के साथ कितना थिक रखना है वहाँ हमें डिसाइड करना है, क्लिक किया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, दो ऑप्शन है, अगर मैं डिलीट नहीं करूँ तो डबल क्लिक करके यहाँ से इसके साथ सेम कलर ले लूँ तो भी मेरा मसला बन जाएगा, दोनों को लिंक कर दूँ और फिर मूव करके इसको यहाँ रख लूँ, कंट्रोल टी ऑल्टर शिफ्ट, सही है, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये अंदर वाला कैसे बनेगा, वेरी सिंपल, इसका कंट्रोल, अच्छा अब जब अंदर वाला बनाऊंगा ना फिर मुझे इनको थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ेगा। ये पहला बता दिया मैंने आपको, दूसरा ऑप्शन में क्या करता है, ये कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट किया और ये भी लिंक किए, इनको वापस इधर ले आया और इसमें से मैंने अब इनको अनलिंक कर दिया। और फिर क्या करना था, वो ये करने के लिए कह रहा था मैं आपसे कि इन दोनों को सिलेक्ट करता शिफ्ट के साथ, लेयर में जाके इसको कर देता मैं क्या, मर्ज, सॉरी, लेयर मर्ज का ऑप्शन था, कंट्रोल ई दबाऊंगा तो ये मर्ज हो जाने चाहिए दोनों, लेकिन ये ऊपर वो है नीचे ये है, ठीक है, तो दोनों के साथ शिफ्ट के साथ कंट्रोल ई, अब मर्ज हो रहे हैं लेकिन दोनों एक जैसे कलर के हो रहे हैं, वजह क्या है,
शेफ्स में इनको रेस्टराइज कर लें, अब नहीं होगा मसला। शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट करें, कंट्रोल ही मर्च हो गए। मैजिक वॉन्ड टूल लिया, क्लिक कर दिया, बीच में से डिलीट कर दिया, अब बीच में से खाली हो गया। ये वो तरीका था जो मैं कह रहा था कि एक दो तरीके हैं। पहला तरीके में तो दोनों को मैंने सेट करके बीच में रख दिया। अब इसमें ये ट्रांसपेरेंट है, देख रहे हैं, इसके अंदर से खाली है ये। अब क्या करना है इसको, अब इसको मुझे कंट्रोल टी करके थोड़ा छोटा कर लेना है। अब छोटा तो कर लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा मोटा भी हो जाए। कंट्रोल जे दबाएं, फिर सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दिया, फिर कंट्रोल जे दबाया, कंट्रोल टी किया, और इसको थोड़ा सा मोटा हो गया, सही। फिर दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दिया। फिर यहाँ पर एक टूल दिखा था हमने, सिंगल रो मार्केट टूल, क्लिक किया यहाँ पे, इसको क्लिक किया, सही, डिलीट किया। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी है, ये मार्केट टूल यूज़ नहीं कर रहे हम। क्लिक किया, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल लिया, सेलेक्ट किया, डिलीट किया, क्लिक किया, कंट्रोल टी किया, ऑल्टर शिफ्ट किया, फिक्स कर दिया, ठीक है, समझ में आई बात। इस तरह से करके आप ये निकाल सकते हैं, दोनों तीनों मेथड्स मैंने इसमें बताया। हाँ, लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पर था कि सर ये दोनों एक साथ कैसे आएंगे, हाँ, और एक ही भी कैसे आएंगे। अब देखिए, इसको समझने के लिए जब आप इसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आपको इसको एक लेयर पे करना लाजमी है, और एक लेयर पे करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को ही सिलेक्ट किया और इसको एक ग्रुप में डाल दिया। इसका नाम मैंने रख लिया 01, और ये इसके अंदर गए नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको पकड़ के इस पर डाल देता हूँ, ठीक है। इसका एक दूसरा किया, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, फिर यहाँ पे नीचे वाले को क्लिक किया, सारे लेयर्स को, और इनको मिला के एक बना दिया, कंट्रोल ई, एक लेयर बन गई है, सही है। इसको उठा के भले अब इसके नीचे कर दें, इसको इनविजिबल कर दें, इसको विजिबल कर दें, ये अब एक ही लेयर है। माना ये पूरा कार्ड आप इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ये कुछ एक्स्ट्रा इसके अभी मामला इसके रहे हुए, जो बाहर वाले एरियाज हैं जो अभी तक इसके प्रॉपरली डिलीट नहीं हो सके। तो अगर नहीं हो सके हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इनको इस तरह से सेलेक्ट करके ये रखें, यहाँ पे रख लें, और उसको एक दफा कर दें कंट्रोल जे, इसको डिलीट कर दें, और अब क्लिक करें कंट्रोल के साथ, देखें पूरा सेलेक्ट हो गया। अब क्या करें, क्लिक करें यहाँ पे कंट्रोल जे, एडिट में जाइए, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, दो हो गए। इमेज में जाइए, कैनवस साइज पे क्लिक कीजिए, 3.6 2.2, ये हमारे कैनवस का साइज है। क्या चाहिए हमें, हम चाह रहे हैं ये 4.5.6 हो जाए विड्थ में फ्रॉम सेंटर, ओके। और कैनवस साइज 3.6 का 7.2, 8.2, 9.2 हो जाए फ्रॉम सेंटर, नहीं फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, फ्रॉम सेंटर ही सही है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया लेकिन चलो चलेगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मात्रा। नया लेयर ऐड कराएंगे, उसको बैक पर रखेंगे, इस पर कोई भी ग्रेडियंट लगा दो, और इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करेंगे, प्लानिंग ऑप्शंस में जाएंगे,
ड्रॉप शैडो। अब शेड तो एक साइड निकलेगा, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो में क्या करेंगे, डार्क कलर लगाएंगे क्योंकि पीछे लाइट कलर है। स्प्रेड करेंगे, साइज बढ़ाएंगे, स्क्रीन मोड को चेंज करके नॉर्मल करेंगे, साइज को कम करेंगे, स्प्रेड करेंगे। अब चूंकि अगर कलर थोड़ा सा डिफरेंट करना है तो वो हमारी मर्जी है, यहाँ से कलर यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड कलर थोड़ा सा हल्का डालना है या इस तरह का दिखाना है। ओके कर देंगे, कॉपी करेंगे लेयर स्टाइल, इसको पेस्ट कर देंगे, हो गया था यार। इस तरीके से आप इसको लेके कंप्लीट करेंगे।